नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के पूर्व चेयरमैन और प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी के पास। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कृष्ण जी, विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता जो हैं इसमें अपने अपने तरीके से फील्ड में जाकर तैयारियाँ कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले यही है कि आप गोहाना में पिछले एक साल से सक्रिय हैं, इसका मेन कारण? देखिए भाई, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर रहते हुए मैं काम कर रहा हूं। मुझे संगठन के माध्यम से विचार करके एक साल पहले कहा गया कि आप गोहाना जाकर के काम करिए। गोहाना आगे जनता की सेवा में कोई न कोई नई पुराना पूर्व जन्मों का आप लोगों के साथ नाता, कोई संपर्क निश्चित तौर पे सनातनी में होने के नाते इस बात को मानता हूँ कि मेरा और गोहाना का कोई न कोई पुराना नाता रहा है, तभी मैं आज गोहाना के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके गोहाना आने के बाद जो है कुछ बीजेपी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, बाहरी का मुद्दा है या फिर दूसरी पार्टी के नेता है वो भी बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं कि बाहरी है, तो क्या बाहरी है या भारी है? देखिए, बाहरी और भारी ये दो इस प्रकार के शब्द हैं जो राजनेता की मानसिकता को तय करते हैं। मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की जो बात करने वाले लोग हैं कि मैं बाहरी हूं, वो लोग हैं जिनकी मानसिकता छोटी है। क्योंकि हमने तो नारा दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी जगह जाकर के चुनाव लड़ता है तो भारी और भारी ये जो शब्द है वो लोकल और स्थानीय कार्यकर्ता शायद इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में चूक है, तभी तो उनके ऊपर कोई कार्यकर्ता को लेकर के आ गया है। और अगर इसको मैं और आगे बढ़ के आपसे चर्चा करूं तो बनारस में नरेंद्र मोदी जी भारी हैं, करनाल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो भारी थे, और नायब सिंह सैनी वर्तमान के मुख्यमंत्री वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे तो वो भी बाहरी हैं। और भाई साहब, मैं और आगे बढ़ते हुए कहूँ, आप जिस विधानसभा में बैठ करके मेरे साथ चर्चा कर रहे हो यहाँ का तो पिछली 5 बार का विधायक ही बाहरी है, तो इसका मतलब ये लगता है कि गोहाना में बाहरी आदमी आएगा। परंतु मैं इससे और आगे बढ़ते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जहाँ संगठन विचार करके उसको काम करने के लिए भेजे वो चुनाव लड़ सकता है। आपने हमारी सुषमा स्वराज बहन को तो देखा है, हरियाणा से तो जीत नहीं पाई, विदिशा से चुनाव लड़ती रही मध्य प्रदेश से, तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने उनको ये कहा कि भारी है? तो भारी भारी ये शब्द अलग अलग, ना तो मैं भारी हूँ और ना ही मैं बाहरी हूँ और ना ही मैं भारी हूँ, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, जहाँ कमल मुझे दे करके भेजा जाएगा मैं उस कमल के लिए काम करने के लिए वहाँ जुट जाऊँगा। तो बिल्कुल, फिर इसका मतलब गोहाना से आप ताल ठोक चुके हैं? निश्चित तौर पर ताल ठोकना, चुनाव लड़ना, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये कुछ चीजें तो मेरा संगठन तय करेगा। परंतु एक साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम मैंने इस गोहाना विधानसभा के गाँव में करवाए हैं, 62 गांव में 4 बार मैं जा चुका हूं, हर गांव में जो मुझे ज्ञापन दिए गए थे सरपंचों के माध्यम से, आज मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि किसी भी गांव, एक भी सिंगल गांव ऐसा नहीं है जहां मैंने कम से कम 2 या 3 काम ना करवाए हो। तो आज मैं लोगों के साथ संपर्क में हूं, आपने देखा मेरे दफ्तर में रोज लोग आते हैं, मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, समस्याओं को लेकर के आते हैं। मैं गोहाना के विकास के लिए, गोहाना की डेवलपमेंट के लिए, गोहाना की जनता के लिए, अब मैंने अपना कार्यालय यहाँ खोल दिया है, आवास ले लिया है, महम रोड गजराज हॉस्पिटल जहाँ आज आप बैठे हैं ये ऑफिस है, और सेक्टर 7 के 629 नंबर मकान में मेरा आवास है। 4 दिन में गोहाना की जनता के लिए वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार गोहाना के लोगों के बीच में रहता हूँ, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन लोगों के जो काम आए हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है, ताकि मैं इन लोगों के पास अगले हफ्ते में जब आऊँ तो इनके कामों को करवाने के उद्देश्य से कि कहाँ तक आपका परवाना कागज पहुँचा है, मैं उस उद्देश्य के साथ इनसे हर हफ्ते में फिर मिलता हूँ। दुल जी, अभी आपने बताया कि 70 करोड़ के लगभग आपने गोहाना के विकास कार्य कराए गोहाना में,
लेकिन जब बीजेपी सरकार आई थी तो मेन जो मुद्दे थे गोहाना के अभी तक पेंडिंग है। सबसे बड़ा मुद्दा गोहाना का वेस्टर्न बाईपास, और उसके अलावा गोहाना की एक सबसे बड़ी मांग है जिला बनाना, क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई थी तब दोनों ही जो वादे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यहाँ किए थे। उसके बाद अभी नायब सैनी भी जब मुख्यमंत्री बने थे जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने भी अपने मन से कहा था कि ये पूरे किए जाएंगे। आप इन दोनों कामों को किस तरह करें? देखिए, पिछले दिनों भगवान कबीरदास की जो जयंती थी उस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे और उन्होंने भी यहाँ गोहाना में मीडिया के सामने बात करते हुए दोनों मांगों को मान लिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने गोहाना को जिला बनाने का प्रस्ताव हमारे जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उसमें दे दिया है। और चूंकि किसी जिला को बनाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं, जिस दिन वो मानक पूरे हो जाएंगे हमारा गोहाना जिला बन जाएगा, और ऑलमोस्ट वो मानक पूरे हैं। दूसरा, हमारा जो पश्चिमी बाईपास है जिसको हम गोहाना की पैराफेरी के तौर पर देखते हैं, उस बाईपास के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि बाईपास की मंजूरी घोषणा तो हो ही चुकी है। किसी एक या दो जगह किसान के साथ जमीन को लेने को विवाद है, उस पंचायत समिति के साथ या किसी व्यक्तिगत किसान की जमीन उस एरिया में आती है उनके साथ भी ऑलमोस्ट सारी बातें सेटल्ड हो चुकी हैं। कल ही मेरी यहाँ के स्थानीय जो SDM है वीरेंद्र विवेक जी, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही उसको भी हम सेटल करवा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा को हमारे विधानसभा चुनाव से पहले उसको लागू किया जा सके। एक सबसे बड़ा मुद्दा और गोहाना का ये है कि गोहाना को भूपेंद्र हुड्डा जो है गोहाना दल को अपना गढ़ बताते हैं, और इस समय जो है दीपेंद्र हुड्डा भी जो है प्रदेश में जो एक हरियाणा मांगे हिसाब के तौर पर जो है एक यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप इस दोनों चीज़ों की स्थिति? देखिए भाई जी, मुझे तो गढ़ देखो लगता नहीं है, लोगों ने जरूर गढ़ बना दिया है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ था तो 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से 2.25 लाख वोटों से कैसे हार गए? तब तो उनके MLA तो सारे थे ही, तो इसका मतलब गढ़ नहीं रहा। जिस सम्मानित व्यक्ति को हमारा पूरा हरियाणा ये मानता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको चुनाव में इसी सोनीपत ने हराया तो गढ़ कैसा हुआ? और अभी 22 दिन पहले आकर के हमारे मोहनलाल बडोली जी सतपाल ब्रह्मचारी जी से हार गए, सिर्फ 22 दिन में आकर के ब्रह्मचारी जी ने चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि सतपाल ब्रह्मचारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता है? तो मुझे इन मानकों पर भी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता और मैं इससे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से बात रखता हूं कि कोई गढ़ नहीं है। आप देखो, अगर सोनीपत गढ़ है तो सोनीपत की जो विधानसभाओं की सीटें हैं हम लोग 4 तो जीत ही चुके हैं। हमने राई जीत ली, हमने गन्नौर जीत लिया, हमने सोनीपत जीत ली, तो हम जीत चुके हैं। अब बची हुई 2-3 सीटें हैं, इस बार इनको जीत जाएंगे तो गढ़ टूट जाएगा। कार्यकर्ताओं को मनोबल देना, उनको उत्साह में लाना, ये हमारा कार्यकर्ता का मुख्य कार्यकर्ता का काम रहता है। सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और इस लोकसभा के चुनाव में आप देखो मार्जिन कितना रहा, मात्र 1392 वोटों का, और वो भी उस अवस्था में जब ये बताया गया कांग्रेस के द्वारा, ये दुष्प्रचार किया गया, पिता और पुत्र की जोड़ी ने इस रूप में हरियाणा के लोगों को बरगलाया कि किसान भी नाराज हैं, जवान भी नाराज हैं, खिलाड़ी भी नाराज हैं, सरपंच भी नाराज है, नंबरदार भी नाराज है, पटवारी भी नाराज है, मतलब कोई भी वर्ग कांग्रेस ने नहीं छोड़ा कि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ना बताया हो, परंतु उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के इस लोगों ने अपने सिर माथे पर बैठाया और 48% मतदान किया उनके फेवर में, हमारे फेवर में, और 44 सीटें हमें जिता करके दी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी कांग्रेस जिन्होंने बहुत भयंकर दुष्प्रचार किया, उनको मात्र 42 और उनका 42% वोट बैंक आया। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेगी, लेकिन अब की बार 5 सीटों पर रहेगी। 10 तो नहीं, पर मैंने जब एक बहुत बार टीवी चैनल पर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो मैंने अपना व्यक्तिगत विचार भी रखा था और पार्टी की भी कि हम 8-2 से जीतने वाले हैं। और अगर बहुत ध्यान से सर आप देखेंगे
तो हमने 3 सीटें बहुत लिटिल बिट मार्जिन से लूज की हैं, जो कि हमारी एक मिसमैनेजमेंट रही, हमारा फेलियर रहा कि हम यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं हमारे तालमेल का अभाव हुआ और सोनीपत की सीट मात्र 20,000 वोटों से आ रहे हैं। तो मैंने जो पहले कहा था 8-2, अगर आज आप बहुत थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से लड़ते तो 8-2 ही हमारा चुनाव का परिणाम रहना था। तो तीसरी पारी में आज हम 5 सीटों के साथ तो तीसरी पारी में है ना, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी लोगों के खिलाफ, उसके बावजूद भी प्रदेश में की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस जो है हरियाणा मांगे हिसाब मांग रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। आज असल में हरियाणा मांगे हिसाब ये प्रोपोगंडा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बड़ा नेता साबित करने का, लॉन्च करने का। नो डाउट बहुत अच्छे मार्जिन से वो लोकसभा जीत कर आए हैं, परंतु अब उनको ये लगता है कि अगली पारी जो मुख्यमंत्री की है वो शायद कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ना खेले उम्र के तगाजे को देखते हुए। तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को लॉन्च कर दिया जाए हरियाणा मांगे हिसाब से। हिसाब मांगेगी, हम तो जनता के पास अब हिसाब दिया तभी तो 5 सीटें दी, हमने हिसाब ही तो दिया था जनता को, अभी तो दिया हमने तो 2 महीने। हिसाब तो कांग्रेस से मांगेंगे लोग कि क्यों झूठ बोला कि 8500 रुपये आपके अकाउंट में महिलाओं के में आएंगे खटाखट, क्यों झूठ बोला उन्होंने कि अगर 400 पार चले गए तो संविधान तोड़ देंगे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या उन्होंने संविधान की तरफ कोई कदम उठाया? ये झूठ बोला हमारे एससी भाइयों को बरगलाने का। और हिसाब मांगेंगे मिर्चपुर के लोग दलित, जो रातों रात इनकी सरकार में उस गांव में जो अत्याचार हुआ, जो अनाचार हुआ, जहां आग लगाई गई दलित बस्ती में, हिसाब मांगेंगे वो लोग। हिसाब मांगेंगे वो लोग आरक्षण में जिन बच्चों के गोलियां लगने पर देहांत हुआ, जो जिनको गोलियां लगी, जिनको जिंदगी खोनी पड़ी, जिस आरक्षण का झुंझुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिरी टाइम पर राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए पहनाया था, लोगों को पकड़ाया था, वो कोर्ट में गिरा, जिसके कारण बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अगर ये नहीं करते तो उन 32 लोगों की रोहतक में जान, झज्जर में जान नहीं जाती। हिसाब मांगेंगे वो किसान जिनको इन्होंने 2 रुपये और 5 रुपये का चेक देकर के अपमान किया था। लोग भूले नहीं है, अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, कौन से किसान हितैषी हैं जिसको 2 रुपये और 5 रुपये का चेक दे रहे हैं? अगर ये बात करेंगे हम तो वो लोग तैयार बैठे हैं। हिसाब मांगेगा वो किसान जिसका सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस लगाए, झूठे उनको डराया और फिर वो जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी और रॉबर्ट वाड्रा को वो लैंड रिलीज की, तो वो किसान हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगने के लिए हुड्डा साहब भाजपा से जरूरत नहीं है, जनता हिसाब मांगेगी आपसे। जिन 10-5 हजार लोगों को लेकर के आप अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है, वो आपका सपना सपना ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तो सरकार बन गई, और एक बार कमाल की बात देखे भाई जी, कि जिस आदमी की 90 सीट आई है वो तो कह रहा है मैं जीत गया। जिसकी 240 सीट आई है सभी ने कहा कि वो हार गया, और वो देश के प्रधानमंत्री है। मतलब आप इनका मानसिक स्तर देखिए कि 5 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हम जीत गए, और हमने 5 लिए हैं तो हम हार गए। कमाल की बात है। और अगर ये चीजें परिणाम घोषित करते हैं किसी भी चुनाव में, तो इनको ये मान लेना चाहिए कि हमें इनसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल हुआ है, तो हम आज इनसे जीत की स्थिति में हरियाणा में आगे है। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें मुद्दे अलग रहने वाले हैं, स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नेशनल मुद्दे को देखकर जो है वोट की जाती है। तो अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं, अगर बात करें तो? देखिए, क्योंकि हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है, बार बार जिलों में जो है रैलियां भी कर रही हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लगभग जो 20,000 बूथ हैं उन सभी बूथों पर अपनी बूथ समितियां त्रिदेव की रचना पन्ना प्रमुखों के साथ बैठ के ये बहुत अच्छे से विगत लगभग 6 महीने से कर रही है, जिसमें कि लोकसभा का चुनाव भी आया। हाँ, कुछ परिणाम जो आशा के अनुरूप नहीं रहा, उससे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी हताशा आई, लेकिन अब संगठन में जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कमांड ली हरियाणा और महाराष्ट्र की, उसके बाद से हरियाणा के सभी लोगों में बहुत जबरदस्त जोश है। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री आए हैं नायब सिंह सैनी,
ये जिस प्रकार से जनता के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं, लोगों के साथ मिल करके बात कर रहे हैं, उनके कामों को सुनते हुए उनको तुरंत समाधान की तरफ बढ़ा रहे हैं, और जो पीपीपी में फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने तुरंत समाधान शिविर लगाए हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो लोगों की थोड़ी मोटी जो टेक्निकल एरर्स की खामियां थी वो खामियां अब सुधर जाएंगी। और विधानसभा का चुनाव हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत करके, चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और हरियाणा प्रदेश की जनता का ये एक प्रकार से आज तक का रिकॉर्ड भी रहा है कि ये लोग जब भी कभी चुनाव की बात करते हैं तो हरियाणा की जनता ने हमेशा केंद्र की जनता, केंद्र की सरकार के साथ जाकर के प्रदेश में सरकार बनाई है। तो इस रूप में भी हम बहुत आशावान है कि हरियाणा प्रदेश के लोग बेवकूफ नहीं है जो छोटी मोटी बातों के झांसे में आएंगे, उनको ये पता है कि ये डबल इंजन की सरकार रही तो हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा। और गोहाणा की अगर मैं बात करूंगा, गोहाणा में दो तीन जो चीजें मुझे बताई स्थानीय लोगों ने, एक महम रोड और बड़ौदा रोड पर ट्रैफिक जाम लगता है फाटक पर, उस पर ओवरब्रिज का मामला है, और दो हमारे सेक्टर हुड्डा के जो बनने थे गोहाना के कटने थे वो पेंडिंग है। मैंने उनको आपके माध्यम से, आपकी जनता जो देख रही है उनको ये आश्वासन देता हूँ कि मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ने आपके बीच में आऊँगा उससे पहले ये दोनों काम मैं करवा करके आपके बीच में आऊँगा, चाहे इनकी मंजूरी हो और चाहे वो सेक्टरों की ड्रा की बात हो। और गोहाना आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल हब अगर बढ़ता जाएगा, अगर आप देखोगे तो वहाँ रोहतक तक एनसीआर और इधर सोनीपत और खरखोदा तक, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में गोहाना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचान बना रखी है उसने, गोहाना की जो जलेबियाँ हैं, जो जलेब है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन अब जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का है कि गोहाना का विकास जो है अब दिल्ली के साथ जुड़ने वाला है। तो कितनी सीट मानते हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार लेगी? देखो, सीटों की गणना संख्या ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रश्न है, पर मैं ये कहता हूँ कि जो नंबर चाहिए विधानसभा में सरकार बनाने के लिए वो नंबर हमें मिलेगा निश्चित तौर पर। और मेरा जो मुझे सौंपा गया है, मुझे जो कहा गया है कि गोहाणा में कमल खिलाना है, तो मेरा पर्याय तो गोहाणा में कमल खिलाना है। मैं गोहाणा से कमल खिला करके इस बार हरियाणा की विधानसभा में जाएगा, जो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कमल जो है हरियाणा विधानसभा में करेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल, कृष्ण डोल ने दावा किया है कि अब की बार हरियाणा में जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और गोहाणा में जो है वो कमल खिलाने का जो है काम करेंगे। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।